सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का IAS पॉइंट की 22 जगह 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर NRC सेशन में। और बात करें आज के डिस्कशन की, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उसको देखेंगे और उन पर फुल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बेसिकली हमारे फ्रंट पेज के पहले आर्टिकल से ही संबंधित है, जिसमें लिखा हुआ है कि 9 किल्ड इन श्रीशैलम पावर हाउस यूनिट फायर। यानी कि श्रीशैलम जो पावर हाउस यूनिट थी उस पर घटना घट गई है जिसके अंतर्गत लगभग 9 लोग मारे गए हैं, 9 लोगों की मतलब जान चली गई है। तो ये क्या था, श्रीशैलम क्या है? श्रीशैलम एक पावर हाउस है, एक डैम पर बना एक डैम है। तो बेसिकली हमारे लिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये बनता है कि ऑल अबाउट श्रीशैलम। तो श्रीशैलम के बारे में समझते हैं कि यदि हम बात करें श्रीशैलम की, तो इसमें हम सभी जानते हैं कि लगभग इसमें लोग मारे गए हैं, जिसमें लगभग 5 इंजीनियर्स ऑलरेडी थे। और ये जो घटना है कहाँ की है? हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की। यानी कि बेसिकली ये घटना है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना आप देखेंगे। तो लिखा है 9 पीपल्स इंक्लूडिंग 5 इंजीनियर्स वेयर किल्ड इन अ फायर इन वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द स्टेट रन हैडल स्टेशन ऑफ श्रीशैलम प्रोजेक्ट इन ऑन द तेलंगाना साइड ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर अक्रॉस द कृष्णा रिवर। तो ये जो डैम है बेसिकली, जो ये श्रीशैलम डैम है, ये बेसिकली किस नदी बना है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये बना है कृष्णा नदी पे। इसकी खासियत क्या है इस डैम की, तो वो हम आप सभी को बताते हैं कि जो श्रीशैलम बांध है, जो श्रीशैलम डैम है, वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण किया गया है और इसका निर्माण जो है बेसिकली 1960 यानी लगभग 1960 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। इस परियोजना पे काम शुरू हुआ था और इस बांध को भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का गौरव भी प्राप्त है। यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है डैम है जो है वो यही है श्रीशैलम। तो इसकी जो बनने की शुरुआत हुई थी लगभग 1960 में और लगभग 16 से 20 वर्ष के कार्यकाल में ये इसका निर्माण संपूर्ण हुआ। तो ये रहे इसके संबंधित संपूर्ण आस्पेक्ट जो कि आप सभी को समझना है। श्रीशैलम इसका नाम पढ़ने का प्रमुख जो कारण है वो ये है कि यहीं पे पास में श्रीशैलम मंदिर है, उसी के टेम्पल के आधार पे इसका नाम श्रीशैलम रखा गया है। तो बेसिकली आपको यही समझना है कि जो भारत की सबसे बड़ी जो दूसरी जल विद्युत परियोजना है उसका नाम क्या है, श्रीशैलम पावर श्रीशैलम डैम। यानी कि जल विद्युत परियोजना जो है श्रीशैलम डैम है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा है लास्ट लैप, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट लैप। ये जो हमारा आर्टिकल है नेक्स्ट वाला सेकंड, वो हमारे बेसिकली एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल्स है। तो इसमें क्या सूचना दी गई है उसको आप समझते हैं। पिछले दिनों से ये जो न्यूज है अपने आप में ट्रेंड में बनी हुई है। आप सभी जानते होंगे कि USA में यानी कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जो बाइडेन और उनके छात्र कमला हैरिस जो कि भारतीय की बेसिकली एक तरफ से उनको भारतीयों से रिलेटेड होकर दिखाया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट ये लोग मतलब इलेक्शन में मतलब खड़े हो रहे हैं निर्वाचित। तो एक नामांकित इन्होंने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। तो वहीं से बेसिकली हर दिन कहीं ना कहीं आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो आज बेसिकली एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो लास्ट लैप का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी रेस का मतलब आखिरी हिस्सा, लास्ट लैप अंतिम क्षण, अंतिम हिस्सा, किसी भी रेस का आखिरी हिस्सा। तो इसमें लिखा है कि बाइडेन एंड हैरिस हैव टू सो दे कैन लिफ्ट द US आउट ऑफ द वायरस इंड्यूस्ड क्राइसिस। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है डेडिकेटेड है बाइडेन, जो बाइडेन एंड हैरिस कमला हैरिस के लिए। तो कहा जा रहा है जो बाइडेन और कमला हैरिस हैं इनको शो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा कि दे कैन लिफ्ट, वे कर सकते हैं द US आउट ऑफ द वायरस इंड्यूस्ड क्राइसिस। कि जो वायरस इंड्यूस्ड क्राइसिस है, इंड्यूस्ड का मतलब इसके लिए होता है कि डाल देना, कि जो जिस वायरस ने अमेरिका को US को इस क्राइसिस में डाल दिया है, किसको? अमेरिका को इस वायरस ने क्राइसिस में डाल दिया है, उसको वे US से लेफ्ट आउट कर सकते हैं क्या? उसको उससे वो US को बचा सकते हैं क्या? तो ये चीज़ें कर सकते हैं या जो भी है उसको इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। किसको? किसको? बाइडेन एंड कमला हैरिस को। तो यही चीज़ बेसिकली पहले स्टेटमेंट में हमें देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ बिकम द डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफिशियल नॉमिनी फॉर द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर अ ग्लिटजी 4-day एक्स्ट्रावेगेंजा एट द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन। फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट जो कि जो पहले US के जो वाइस प्रेसिडेंट थे या उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? जो बाइडेन हैज़ बिकम द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिशियल नॉमनी। वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल नॉमनी घोषित किए गए हैं, यानी आधिकारिक रूप से उन्होंने नामांकन अपना भर दिया है इलेक्शन के लिए फॉर द 2020 यानी इस साल के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। आफ्टर ग्लिटजी मतलब एक प्रकार से होता है आपका आकर्षित या भव्य जो भी है, ग्लिटजी 4-day
जो कि 4 दिनों का लगभग था, एक्स्ट्रावेगेंजा एट द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, जो कि 4 दिनों क्या था। देखिए बेसिकली यदि पूरी बात करें तो एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब कि बहुत ही बढ़िया या भव्यता, भव्यता एक तरह से ग्लैमर कह सकते हैं आप, वेंडर कह सकते हैं, भव्यता को प्रदर्शित करने वाला सिस्टम यही कहा जा रहा है। तो जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ था, यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब होता है मीटिंग, मीटिंग मतलब बैठक, यानी कि जो लगभग लगभग पिछले दिनों 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लगभग लगभग एक शानदार और आकर्षित करने वाली 4 दिनों की जो मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ, उसमें ये तय किया गया कि जो फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट है कौन, जो बाइडेन, वे अब डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल नॉमिनी होंगे और वे 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होंगे। तो लिखा है कि अलोंग साइड हिज रनिंग मेट कमला हैरिस, साथ ही साथ अलोंग साइड हिज रनिंग मेट, उस दौड़ में, इस रेस में, इस इलेक्शन में उनकी जो मेट है, मेट मतलब होता है साथी, कौन है, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, ही विल सीक टू आउस्ट इनकम्बेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द व्हाइट हाउस। ही विल सिक मतलब वो चाहते हैं, ये चाहेंगे, उन्हें चाहना चाहिए, टू आउस्ट, आउस्ट आउस्ट मतलब होता है बेदखल करना, निकालना, किसी भी चीज़ से हटाना, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब आप सभी को हम बता चुके हैं कि सत्तारूढ़, पिछले दिनों कई बार ये वर्ड्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब होता है सत्तारूढ़, जैसे कोई भी गवर्नमेंट इसमें सत्तारूढ़ है, तो फिलहाल इस समय US के जो सत्तारूढ़ हैं वो सत्ता पर जो आसीन हैं वो हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको भी बेदखल कर पाएंगे, ये उनकी मतलब इच्छा होगी कि वे डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल कर लें, अर्थात उनको इलेक्शन में हरा लेंगे। इफ़ ही डस सो, यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो एन एरिज ऑफ द रिमेडियल पॉलिसी एक्शन विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अर्ली स्टेज टू लिफ्ट द US अप फ्रॉम इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई ऑनगोइंग COVID-19 पैंडेमिक। बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जब उनको निकाल लेंगे, यदि वे ऐसा कर भी लेते हैं, यदि वे जीत जाते हैं इलेक्शन को, तो एन एरिया ऑफ द रिमेडियल पॉलिसी एक्शन, रिमेडियल मतलब होता है बेसिकली आपका होता है, अगर हम बात करें कमेडिया, इनकमेंट मतलब सत्तारूढ़ होता है, रिमेडियल मतलब उपचारात्मक, यानी किसी भी चीज़ का उपचार करना, यानी कि यदि वे जीत भी जाते हैं, ऐसा होता है तो भी, तो एन एरिया ऑफ रिमेडियल पॉलिसी एक्शन, तो उनको अपनी जो भी पॉलिसी, जो भी एक्शन करना है वो एक रिमेडियल होना चाहिए, एक उपचारात्मक पॉलिसी उनको अपनानी पड़ेगी, वही रिक्वायरमेंट भी है, वही रिक्वायर्ड भी होगी, फ्रॉम एन अर्ली स्टेज टू लेफ्ट द US अप, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय अर्ली स्टेज में US को उठाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स डिस्ट्रक्शन जो उसने उठाया हुआ है, US का पूरे वर्ल्ड ने ही इकोनॉमिक्स डिस्ट्रक्शन को देखा हुआ है, जो भी पेंडेमिक की वजह से जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको, उस स्टेज को उनको उठाना पड़ेगा, जो कि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से हुई है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही विल नीड टू अर्जेंटली अटेंड द सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड सेटबैक्स, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त ही विल नीड टू अर्जेंटली अटेंड, उन्हें जल्द ही इसको अटेंड करना पड़ेगा, क्या कि सीरियस कंट्रोवर्सीज टू सेटबैक्स, कि जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद जो भी हुए हैं उसको सेटबैक्स, या जो भी नाकामयाबी आप एक तरफ से कह लें कि अगर हम पिछले सरकार की बात करें, या जो भी इस वक्त सत्तारूढ़ सरकार है उसकी जो भी नाकामयाबी है, जो भी विवादास्पद स्थितियाँ उस सरकार ने क्रिएट किया हुआ है, तो उसको कैसे वो अर्जेंटली अटेंड करते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, सम विद इंटरनेशनल रिपरकशन दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम इन्वेस्ट रिप्रिकॉशन मन होता है नतीजे, और इन्वेस्ट मन होता है एक तरफ से जाल में, किसी चीज़ को जाल में फंस जाना, या किसी भी चीज़ का जाल में फंस जाना, यानी बेसिकली आप यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से लेके और यहाँ पर इमिस्टीन, तो यही कहा जा रहा है कि अगर ये वो सत्ता में आते हैं तो पहली बात तो उनको जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ है अमेरिका को, उससे उसको उठाना पड़ेगा, उसको महत्तर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त उनको ये इस बात का भी नीड है, आवश्यकता है कि वो जो भी कंट्रोवर्सी, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो भी जाल में जिस प्रकार फंस गया, या जो भी सिस्टम हुए, जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कहीं ना कहीं क्या नाम है कि डील करना पड़ेगा, ये भी बातें कही जा रही है। तो डज मिस्टर बाइडेन पोजेस द पोलिटिकल लिफ्ट, तो यही कहा जा रहा है, क्या मिस्टर बाइडेन पोजेस द पोलिटिकल लिफ्ट, क्या पोजेस मतलब रखते हैं या जो भी है पोलिटिकल लिफ्ट, हेप्ट, हेप्ट मतलब होता है एक तरफ से वजन, वजह, यानी कि क्या मिस्टर बाइडेन पॉलिटिकल हेप्ट रखते हैं, यानी राजनीतिक वजन रखते हैं, यानी जो भी है, यानी यही कहा जा रहा है, क्या जो मिस्टर बाइडेन हैं राजनीतिक वजन रखते हैं, एंड
पर्सनल करिश्मा, करिश्मा मतलब एक तरफ से समझ सकते हैं चमत्कार या जो भी है, एंड पार्टी मैंडेट टू डू सो। क्या तो तीन बातें कही जा रही है कि मिस्टर बाइडेन क्या पॉलिटिकल हेफ्ट रखते हैं, क्या पर्सनल करिश्मा रखते हैं, और पार्टी मैंडेट टू डू सो, और क्या मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है आदेश या समर्थन, या इन सब चीज़ों के लिए पार्टी का उनको समर्थन है कि नहीं। तो द पार्टी आंसर्ड विथ रिसाउंड यस। तो इस चीज़ का जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मिस्टर बाइडेन के पास पॉलिटिकल हेफ्ट है, पर्सनल करिश्मा है, और पार्टी का उसको समर्थन है, तो इसके लिए पार्टी द्वारा ये आंसर दिया गया, वो भी रिसाउंड में, यानी एक बहुत ही तेज ध्वनि में, भव्य ध्वनि में, और वे दिया गया यस, क्या हाँ, टू ऑल थ्री क्वेश्चंस एट द कन्वेंशन। जो ये तीन क्वेश्चन कन्वेंशन में, यानी जो मीटिंग में तीनों क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके संदर्भ में जो आंसर दिया गया उनकी पार्टी के द्वारा, तो वो था यस। विच फीचर्स इलोक्वेंट स्पीचेस बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड बिल क्लिंटन एंड फर्स्ट लेडीज माइकल मिशेल ओबामा एंड हिलेरी क्लिंटन। इलोक्वेंट मतलब अगर बात करें तो इलोक्वेंट मतलब बेसिकली होता है आपका, अगर बात करें तो ये होता है प्रभावशाली तरीके से बोलना या फिर जो भी है। तो अगर बात करें विच फीचर, ये जो फीचर्स हैं इलोक्वेंट स्पीचेस बाय, और इस कन्वेंशन के दौरान अगर बात करें तो इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब प्रभावशाली तरीके से बात करना, स्पीचेस देना यानी भाषण देना, किसके द्वारा, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि पूर्व के प्रेसिडेंट रह चुके बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, और भी बिल क्लिंटन हैं जो कि, और जो फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा थी, और हिलेरी क्लिंटन, इन सभी के द्वारा एक इलोक्वेंट स्पीच दिया गया, यानी कि एक प्रभावशाली तरीके से भाषण भी दिया गया, बातें भी कही गई उस मीटिंग कन्वेंशन के दौरान। तो एज वेल एज पार्टी हैवी वेट्स इंक्लूडिंग बेरिन सैंडर्स नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वारेन। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी है हैवी वेट्स, पार्टी के पास अधिक वजन है, मतलब प्रभावशाली लोग हैं, जैसे जैसे बेरिन सैंडर्स, नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वारेन, तो ऐसे ऐसे प्रभावशाली और वजनदार लोग हैं। वाइल अ फ्यू यंगर्स डेमोक्रेटिक लीडर्स वेयर फीचर टू, और साथ ही साथ में कुछ यंगर डेमोक्रेटिक लीडर्स भी साथ में हैं। द कन्वेंशन लेफ्ट आउट डाउट दैट ओल्ड गार्ड वाज स्टिल रनिंग द स्लो सो, और जबकि जो अगर बात करें कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं फिर फीचर टू आप जान चुके हैं, और ये जो कन्वेंशन हुआ, जो ये मीटिंग हुई, उन्होंने लेफ्ट लिटिल डाउट दैट ओल्ड गार्ड्स वाज स्टिल रनिंग द शो, कि इस शो के अंतर्गत जो बातें हुई उसके अंतर्गत एक लेफ्ट लिटिल डाउट का मतलब होता है कि थोड़ा भी डाउट न छोड़ना, यानी किसी भी डाउट को न छोड़ना। इस पार्टी दौरान जो भी था ओल्ड गार्ड के साथ था, जो भी डाउट थे उसको क्लियर किया गया, इवन इफ इट वाज सीकिंग टू वो मतलब होता है एक तरफ से लुभाना, क्या होता है लुभाना द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वोटर्स विद इन अ फ्रेमवर्क पॉलिटिकल रियलिटी। और साथ ही साथ इवन इफ इट इज वाज सीकिंग, और ये चाह रहा है या फिर लुभा रहा है किसको, नेक्स्ट जनरेशन को, जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस पार्टी ने इस मीटिंग में लुभाने का प्रयास किया है वोटर्स को, जो कि फ्रेमवर्क अल्टरनेट पॉलिटिकल रियलिटी, जो कि अपने आप में एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि यूथ को अट्रैक्ट करना अपने आप में एक कंपल्सरी सिस्टम होता है और ज़रूरी होता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में हमारा लिखा हुआ है कि रिपील एंड रिफॉर्म। रिपील एंड रिफॉर्म का बेसिकली मतलब आज का इस जो आर्टिकल है, कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी बेसिकली आया हुआ था और हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया हुआ था। ये बेसिकली बात की जा रही कोलंबो यानी कि श्रीलंका से, यानी श्रीलंका शुड नॉट अंडो डेमोक्रेटिक गेंस आर रोल बैक डिवोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये जो बेसिकली पूरा जो इसमें आप आर्टिकल्स देखेंगे, जो स्टेटमेंट इसमें पूरा दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज है। यहाँ से आपको सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना है और वो ये पकड़ना है, इसलिए जो आर्टिकल हाईलाइट में चल रहा है वो इसलिए है कि 19th अमेंडमेंट, किसके लिए 19th अमेंडमेंट यानी कि 19वां संशोधन। देखिए हम जानते हैं कि श्रीलंका में 9 अगस्त को वहाँ की सरकार बनी है, महिंद्रा राजपक्षे या जो भी है, तो वहाँ की सरकार बनी है, और इसी के दौरान मतलब बात की जा रही है, तो सरकार ने अपने मतलब चुनावी मुद्दे के दौरान ही बोला गया था कि वे 19th अमेंडमेंट को क्या करेंगी, हटाएंगी उसमें संविधान में 19वां संशोधन करेंगी, और 20वां यहाँ पे देखिए आप बात करेंगे तो लिखा हुआ 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो SLPP जो पार्टी है वहाँ की, उसने वहाँ के 19th अमेंडमेंट को हटाया है, उसमें संशोधन किया है और 20वां संशोधन को लागू किया है। तो हम समझते हैं इस आर्टिकल के दौरान कि व्हाट इज़ द 19th अमेंडमेंट। तो हमको यही समझना है कि 19th अमेंडमेंट क्या है। तो हम जानते हैं कि 10 अगस्त
यानी 19 अगस्त को श्रीलंका की नई सरकार ने, हम जानते हैं 19 अगस्त को श्रीलंका की नई सरकार ने 2015 में हुए 19वें संविधान संशोधन को वापस लेने का निर्णय लिया है। और इस संशोधन में राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकारों को कम करके संसद को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। लेकिन इस नए सरकार ने, प्रवक्ता ने कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये कहा कि सरकार 20 amendment लाकर 19A में संशोधन करने का निर्णय लिया है। और SLPP को चूंकि 150 सीटें मिली हैं, जिसमें कि 2/3 बहुमत के साथ हुए संविधान में फिर से अपने स्थान बनाए हुए, तो हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत होना भी चाहिए, जो कि उनके साथ प्रेजेंट टाइम में है। अतः वे 19th amendment करके एक नया संविधान संशोधन लाएंगे जो कि 20वां A कहलाएगा। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। तो ये रहे आज के कुछ प्रमुख आर्टिकल, उनसे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के लिए इतना, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।